मतलब ये चंबल नदी में से निकली जो वहाँ मूर्ति जो स्थापित है वो प्राकट्य। देखिए आज के प्लान का कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, जाना था कहीं बट एग्जैक्टली पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यदि वहाँ पहुँच गए तो बताएंगे, अदरवाइज कहीं और जहाँ जाएंगे वो बताएंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे फ्रॉम कोटा राजस्थान। वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग आई होप अच्छा कर रहे होंगे, तोड़ फोड़ कर रहे होंगे। खम्मा गणी फ्रॉम राजस्थान। तब देखो जाना कहीं और था और निकल कहीं और गए हम लोग। हम लोग का ऐसा ही होता, अक्षित का और मेरा ऐसा ही होता, हम लोग कहीं और का सोचते हैं और कहीं और निकल जाते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से ड्रोन उड़ाने का। अब क्या धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऐसा बढ़ता जा रहा है, तो अभी निकाला ड्रोन, अभी निकालते। अब सीन क्या हो रहा है, जैसे मैं फ़ोन से ही अपने व्लॉग्स बनाता हूँ तो अभी फ़ोन रिमोट में अटैच करना पड़ेगा, तो मुझे आई हैव टू कीप माई फ़ोन ओवर हियर। तो देख लीजिए अभी ये बनाते हैं। भाई साहब वो ये उड़ा देगा, तो गाने बजाते बजाते जा रहा है, हमें लगा कि अभी उड़ाता हुआ जाएगा। चलिए रेडी टू फ्लाई। अब हम लोग जा रहे हैं केशव राय पाटन, केशव राय जी का मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब एक नदी है उसमें से जाना पड़ता, तो उस नदी में भी अपन ट्राई करेंगे कि वो जो बोटिंग वगैरह होती है ना, बोट के अंदर बैठ के हम लोग ड्रोन से शॉट लेंगे, ट्राई करेंगे। अभी तो हाईवे पे उड़ाते हैं मस्त। ये सेम दिक्कत उस दिन आई थी। हाँ तो देखो भैया अपना ड्रोन अभी उड़ चुका है काफी मेहनत और काफी मशक्कत के बाद। ये रहा व्यू यहाँ पर, ये कैमरा मेरा मोबाइल फोन इससे कनेक्टेड है, वो रहा ऊपर अपना ड्रोन उड़ रहा है। और शॉट अभी आएंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा देखने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं केशव राय पाटन। केशव राय जी का जो मंदिर है कोटा से अराउंड 28-30 किलोमीटर दूर है। अरे वो चौंचले आ गए ना यार इंडियन ऐप में, यार पीछे अपना फॉलो नहीं कर पा रहा था, मतलब तो वहीं के में रुक गया था। हाँ उससे आगे ही नहीं बढ़ रहा था, नजर ही नहीं आ रहा था साला, तो बड़ी मुश्किल से फिर नीचे लिया तब जाके नजर आया। में क्या है कोटा, कोटा निकलता है। अच्छा 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 उधर से ही, उधर से ही आप उधर आए ना। हाँ उस पे निकल जाऊंगा ठीक है, धन्यवाद भैया। देखिए अब आप जब व्लॉगिंग कर रहे हो तो कुछ भी दिक्कतें आ सकती है, मेरा ड्रोन रास्ते में रह गया, अक्षित का चलते माइक निकल गया, वो तो मैंने पकड़ लिया तो अभी रोक के फिक्स किया। तो अभी कुछ ही 3 किलोमीटर दूर है केशव राय जी का मंदिर, जाते हैं, बहुत ही सुंदर जगह। तो देखिए जब मेरा ड्रोन रह गया था ना, मतलब मेरा दिल ऐसा धक 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 करने लग गया था, सीधी बात कहूँ तो देखो फटके हाथ में आ गई थी। लोग बाग इस तरीके से इस कदर देख रहे हैं अक्षित का गोप्रो ऊपर के क्या लग गया ये, देखो देखो ऐसा मंदिर मंदिर, अरे यार लोग देखो ऐसे देख रहे हैं लोग कि क्या होता है। यहाँ की गलियाँ बड़ी सही लगी मेरे को। अच्छा आ गया मंदिर, ये वाह क्या मंदिर है, जोरदार है भाई। 2 दिन से मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो इतना अच्छा फील हो रहा है और दिन इतना बड़ा बड़ा लग रहा है कि क्या बताऊँ आप लोग को। तो फाइनली वी रीच केशव राय जी का मंदिर केशव राय पाटन में। अब तो देखो क्या हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ है ना, मुझे विजुअलाइज हो जाता है कि अपने को कैसा ड्रोन शॉट लेना है। अभी जैसे ही मंदिर है तो मैंने देख के सोच लिया कि नीचे से ऐसा उड़ाएंगे और ऊपर तक व्यू लेंगे। तो जैसे जैसे आपके पास अपना इक्विपमेंट्स अपने साधन बढ़ते जाते हैं, आप लोग को पता चलता जाता है कि कैसे शूट करना है क्या करना है। मंदिर खुला है क्या भाई जी, खुला है मंदिर, किधर से जाने का? अच्छा मंदिर है वो 1641 में बनाया गया था, 1641 में बूंदी के जो राजा थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, तो काफ़ी पुराना है। 1641 मतलब कितना पुराना हुआ भाई ये, 17, 18, 19, 20, मतलब 400 साल पुराना मंदिर है, अराउंड 350-400 साल पुराना मंदिर है ये। आजकल के जो बिल्डिंग्स है जो नए घर बनते हैं वो कुछ साल भी 50-100 साल भी नहीं टिक पाते, उनमें से ख़राब हो जाते हैं, बट ये 350-400 साल पुराना इतना बड़ा मंदिर उस टाइम पे जबकि इतना सब कुछ आधुनिक चीज़ें भी नहीं थी और सब कुछ एकदम क्या कहते हैं, कभी कभी मैं ऐसे भूल जाता हूँ शब्दों का, मेरे पास अभाव हो जाता है। कोई नहीं अभी आगे देखते हैं, ड्रोन उड़ाएंगे शूट करेंगे। ये क्या है,
नीचे घाट पे जाने का रास्ता सही है। इसमें जो बोट चलती है ना चंबल नदी में, उसमें जाने का हो तो बोटिंग में घाट पे चल जाओ। घाट पे उधर बोट चलवाते होंगे वो लोग। अच्छा, और जैसे इधर से क्या कोटा का रास्ता निकल जाता है वापस, तो जैसे हमारे पास गाड़ी है तो फिर उधर ले जानी है गाड़ी, तो फिर तो उधर ले जाओ। तो ये पुलिया दिख रही ना आपको? कौन सी? वो सामने दिख रही। हाँ हाँ, अच्छा उधर से जाना पड़े। इधर हो गई आ जाना। आरती भी चालू हो गई, आरती का लाभ लेने जाते हैं अभी अंदर। ड्रोन वन उतार ले, अक्षित नीचे उतार लेते हैं, पहले आरती अटेंड कर लेते हैं फिर उसके बाद, है ना? जी, बहुत सही टाइम पे हम लोग आए हैं और आरती का लाभ, कहीं पे भी किसी मंदिर जा रहे हैं तो आप अंकल जी? मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता हूँ जी। किसने पदक संग्रह को लेकर? अच्छा, आप यहीं रहते हैं तो आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ 2000 से यहीं रह रहा हूँ पटन में। अच्छा, यहीं रह रहे हैं, क्या बात है। हमने तो काफी सुना था इस मंदिर के बारे में, तो अब आज जाकर हम लोग इस मंदिर आए। भगवान केशव जी महाराज की बहुत कृपा है, कृष्ण पटन। नहीं, बहुत बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छे समय पे आए तो हमें आरती का भी लाभ लेने का मौका मिला। जाते हैं आरती। तारीख में लोगों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं रहती जितना अच्छे तरीके से इस पत्थर पे एनग्रेव कर करके लिखा हुआ है। बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में और आज फाइनली इधर आ गए। अचानक बना और मेरा मानना है कि अचानक जो प्लान्स बनते हैं वही जोरदार रहते हैं, मजा आ रहा है। ये जो एक एक हाथी घोड़ा मछली मगरमच्छ जितने भी सब इस पे सब कुछ बना हुआ है, हर किसी का कुछ ना कुछ मतलब रहता है। ये ऊपर भगवान के वहाँ पर अंदर जो जल चढ़ता है वो यहाँ से निकलता है। इस मंदिर के बारे में बताएंगे अंकल जी थोड़ा आप? इस मंदिर के बारे में तो ये तो क्या है कि कम से कम भी नहीं तो 300-400 साल पुराना मंदिर जी, बराबर। और ये क्या है कि मुगल शासक 2-3 बार इसको क्या है तहस नहस करने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन क्या है कि बूंदी के जो राजघराने के लोग हैं उनने क्या है कि उनको टच भी नहीं होने दिया, क्योंकि ये मानता है कि ये पहले क्या है कि पौराणिक नगरी के नाम से पट्टनपुर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये क्या है कि एक आध बार उथल पुथल हो गया लेकिन मंदिर जैसे कि। अच्छा, तो ये जो केशव राय जी है ये किनके अवतार है? ये कृष्ण भगवान, कृष्ण जी के अवतार है ना। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं आप? 15-20 साल हो गए। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? सरकारी मंदिर है। अच्छा, यहाँ क्या है कि लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ केशव राय जी के जो मुख्य पंडित जी हैं उनके पास हिंदुस्तान के कोने कोने से जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के सिग्नेचर हो रहे हैं उसमें रजिस्टर के अंदर। अच्छा अच्छा, वो लोग दर्शन कर करके दर्शन लाभ ले लेके जाते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स घाट। अब नीचे मंदिर में से ही नीचे सीढ़ियाँ हैं और नीचे घाट की तरफ जाने के लिए। देखो, ऐसे मजा आता है जब कोई आगे से अपने को चीजों के बारे में बताते हैं ना, जिस जगह हम लोग आए। अब हम लोग क्या इतनी दूर से आए? तो हम लोग कोटा से आए, मैं रहता हूँ मुंबई में वैसे। नहीं, बस हम लोग थोड़ा निकलेंगे, आप बस इस मंदिर के बारे में हमें बता दें। राधा कृष्ण शर्मा, पुजारी मंदिर श्री केशवराय जी महाराज का। अच्छा, आप ही पुजारी जी? यहाँ पर ये चंबल नदी जो बह रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। अच्छा, इस वजह से ये प्रायश्चित क्षेत्र भी है। प्रायश्चित क्षेत्र मतलब? प्रायश्चित क्षेत्र मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। जो विसर्जन अस्थियां कलश वगैरह विसर्जन यहाँ पे चंबल से। अच्छा अच्छा अच्छा, पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है। पट्टनपुर तीर्थ के नाम से था पहले सर, सुराय यहाँ पे अवतरित हुए तो उनको वो अवतरण होने के बाद इसमें चंबल में निकले
यहाँ के जो नृपनती राजा थे उनको स्वप्न में दर्शन दिया, उनको ये दिया कि भाई दो पुष्प आप चंबल में डालना है, श्वेत रंग का श्याम वर्ण का। अच्छा। तो दो प्रतिमाएं निकली थी, एक तो चार भुजा जी और एक केशवराय जी। मतलब ये चंबल नदी में से निकली जो वहाँ मूर्ति जो स्थापित है वो प्राकट्य। अच्छा। ये फिर उस समय यहाँ के जो राजा थे बूंदी के, पहले राजाओं का राज था, तो उस समय बूंदी के राजा थे शत्रुसाल, उन्होंने उस समय उनके पूर्वजों ने एक छोटा मोटा तैयार करके वो मंदिर बना दिया वहाँ पे शमशान घाट के ऊपर, पुराना मंदिर हो। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पे 300 वर्षों में पूरा फाउंडेशन पूरा हुआ है। अच्छा। और फिर 450 वर्ष में ये इसका है 1698 में इस अच्छा। मंदिर का। केशव जी का तो विष्णु का स्वरूप है, बद्री विशाल की तरह प्रतिमा है, के बद्री विशाल में इनमें फर्क इतना सा है, यहाँ इनके बाएं हाथ में चक्र है सुदर्शन चक्र और दाहिने हाथ में शंख, और पद्मासन में विराजमान योगेश्वर रूप में, योगेश्वर कृष्ण का ही रूप जी, जी। इनके साथ वो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी योगी योगेश्वर रूप योगी रूप। अच्छा, इनके साथ लक्ष्मी जी नहीं है। अच्छा, योगी रूप में। अच्छा, ध्यान मुद्रा में जी, प्रसन्न मुद्रा केशव अच्युतम केशव राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि सीधरम वादम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम राम हरि। वाह जी, नहीं नहीं, बट ज्ञान जो आपने हमें दिया तो मतलब हमारे वीडियो के थ्रू जो लोग देख रहे हैं वीडियो तो काफी लोगों को पता चले। जब जब मैं ड्रोन खोलता हूँ मुझे फर्स्ट डे याद आ जाता है, और ये देखो ये घाव जो हुआ है इन प्रोपेलर से हुआ है, वो ब्लॉग ये रहा देख सकते हो, कनेक्ट करते हैं अभी। अब देखो राहुल शिवानी उधर खड़ा है, ब्लर दिख रहा होगा बट उसके खड़े होने के तरीके से मैं समझ जाता हूँ वो राहुल है। ये लोग भी घूमने के लिए आए, कल इसने बताया था और मेरा आज अचानक सडन प्लान बना। अब कुछ ड्रोन शॉट एंजॉय करते हैं इस मंदिर के।